बीजेपी के ही एक व्यक्ति ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो साथियों, मैं निवेदन करता हूं, सब लोग जागरूक होइए, सड़कों पर उतरने की जरूरत है। जय संविधान, जय हिंद, जय भीम। साथियों, देखा आपने, आज चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव था और उस मेयर के चुनाव में 36 निगम पार्षदों ने चुनाव में वोट डालना था। 36 में से 20 निगम पार्षद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के थे और दोनों के संयुक्त उम्मीदवार को मेयर चुनना था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 16 मेयर थे। और मजे की बात देखिए कि पूरी प्रक्रिया जिस कानूनी तरीके से चलाई जाती है चुनाव की, उस तरह चुनाव से चलाने के बजाय पहले तो पिछली बार जब चुनाव की डेट फिक्स हुई, चुनाव के दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर आए नहीं और पहले उन्होंने मैसेज डाल दिया सुबह सुबह कि मैं बीमार हूं, नहीं आ पाऊंगा, और वो चुनाव रद्द हो गया। बड़ी मुश्किल से कोर्ट में जाकर ये चुनाव की डेट डिक्लेयर करवाई और आज चुनाव हुआ। लेकिन एक अनिल मसीह नाम के बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के एक पदाधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और उन्होंने 20 में से 8 आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद की वोट को इनवैलिड करार कर दिया और बीजेपी को 16 वोट दिखाए और कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन को 12 वोट दिखाए। 8 वोट इनवैलिड करके इस चुनाव में मेयर के पद पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया। अधिकारियों को भी बाहर कर दिया, प्रेस को भी बाहर रखा। उनकी वोट को इनवैलिड क्यों किया वो अधिकारियों को भी नहीं दिखाया। तो इस तरह खुलेआम लोकतंत्र की हत्या आज चंडीगढ़ के अंदर हुई है। यकीन मानिए, पूरे देश के अंदर भारत का संविधान और भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। खुद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ईवीएम बनाती है, आपने देखा होगा उसके अंदर 7 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं और जो 4 टेक्निकल कमेटी के एक्सपर्ट हैं, वो जो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, वो किस तरह की कोडिंग कर रहे हैं, तो ये तो पता जो बीजेपी के लोग जो खुद डायरेक्टर हैं बीएल के अंदर, जो मशीन बना रही है उस मशीन में जो कोडिंग की जा रही है और उसके अंदर जो टाइमर लगा के डेट और टाइम के मैनेजमेंट बना के और उसमें किस तरह वोट की चोरी करके ये लोग इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के लोग अब जागरूक हो जाएं। प्रजातंत्र पूरी तरीके से देश में खत्म होता जा रहा है, देश का संविधान पूरी तरह खतरे में है और अगर आपकी संख्या ज्यादा है उसके बाद भी किस तरह वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इस्तेमाल करके आपको जीते हुए को हरा सकते हैं। तो ये आज जो लोकतंत्र की हत्या, इसको बिल्कुल इसी तरह देखने का दिन है कि आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या आरएसएस के एक कार्यकर्ता नाथुराम गोडसे ने की थी और एक आज बीजेपी के ही एक व्यक्ति ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो साथियों, मैं निवेदन करता हूं, सब लोग जागरूक होइए, सड़कों पर उतरने की जरूरत है। कल हम लोग 31 जनवरी को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव करने के लिए। आप सब से निवेदन, आप सब भी आइए, क्योंकि एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से लोकतंत्र को खत्म करके और इस तरीके से झूठ के दम पर, ईवीएम के दम पर चुनाव जीत रही है, तो कहीं पूरे चुनाव अधिकारियों को मैनेज करके जीत रही है, तो ऐसे में देश के प्रजातंत्र को बचाएंगे कैसे? आइए, जागरूक होइए, सब लोग मिलकर इस लड़ाई में साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।